आप देखें कि हम जब 26 जनवरी में खड़े होते हैं वहां पर, तो सबसे पहले राफेल को आगे दिखाया जाता है। राफेल को दिखाते हैं, पीछे पीछे हमारे बहुत सारे रहते हैं। तो ये चीजें हमको टेक्नोलॉजी लेनी चाहिए, हमें उनको नहीं लेना चाहिए कि हम उनको राफेल दिखा राफेल को दिखा के वहां तालियां बजवा रहे हैं। टेक्नोलॉजी हमारे देश में रहे, क्या होता है यहाँ से स्पेस चला जाता है, वहां जाके निर्माण करता है, तो यहाँ पर अपने पास कुछ नहीं रह जाता है। हम IIT से पढ़ाते हैं, DRDO से पढ़ाते हैं, बाहर से पढ़ाते हैं, ISC से पढ़ाते हैं, AIIMS से पढ़ाते हैं, लेकिन इनमें भी जो टॉप ब्रेन होता है वो निकल के कहीं ना कहीं बाहर चला ही जाता है, हमें कुछ नहीं मिलता। हमें यहाँ पर बैठे हुए जो डॉक्टर साहब मिलते हैं BBS डिवीजन वाले, वो कहीं ऐसे वैसे उन्हीं को हमें दिखाना हमारी मजबूरी हो जाती है। तो ये भी एक चीज़ है, देखना यह कि जिस देश में ब्रेन ड्रेन वास्तव में स्किल ड्रेन कहा जाए तो ये बहुत बड़ी समस्या है। प्रतिभाशाली युवाओं को किस प्रकार से रोका जाए कि हमारे देश का स्किल बजाय दूसरे देश की टेक्नोलॉजी बढ़ाने के यहाँ पर योगदान दे। उपरोक्त समस्याओं को दर्शकर सरकार द्वारा चलाया भी जा रहा है स्किल इंडिया मिशन चलाया जा रहा है गवर्नमेंट द्वारा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा 21वीं शताब्दी को स्किल पहुंचाने के लिए विभिन्न प्रयास किए जा रहे हैं। इसके लिए उन्होंने 5C फॉर्मूला दिया। उन्होंने अभी अपने अपने जो उद्बोधन में उन्होंने 5C का मैंने क्लिप नहीं डाली इसलिए क्योंकि थोड़ा सा टाइम नहीं लगेगा मेरे पास, छोटी सी क्लिप में डालता। उन्होंने 5 चीज़ों पर जोर दिया है, क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिविटी, कोलाबरेशन, क्यूरोसिटी और कम्युनिकेशन। उन्होंने कहा कि अगर ये 5 चीज़ें होंगी तो स्किल अपने आप बढ़ने लगेगा। और वाजिब सी बात यह है कि वो बच्चा जो दिन भर माँ के किचन में बैठ के खाना देखा करता था, उसको माँ ने भगा दिया, भागो यहाँ से, पढ़ते लिखते कुछ नहीं हो, दिन भर यहाँ बैठे रहते हो, खाना देखा करते, खाना उसी बच्चे ने आपका इंजन बना दिया।